नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आपको पता है कि मेरे पास में ओल्ड मॉडल की सीआई इंजन की स्टैंडर्ड बुलेट है। इसमें जो ऑयल पंप है उसको मैं अपग्रेड कर रहा हूं। 350 सीसी का अभी लगा हुआ है, मैं 500 सीसी का इसमें डाल रहा हूं। अब उसके पीछे क्या कारण है और हमें ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ी, ये मैं आपको वीडियो में डिटेल बताता चलूँगा। फिलहाल बारिश का मौसम में बिना टाइम वेस्ट किए टाइमिंग कवर खोलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइमिंग कवर खोलने से पहले आपको थोड़ी सी इसमें डिटेल बता दूं कि ये मैंने अभी 2 दिन पहले दोनों नट खोल के चेक किया था। मुझे हल्का सा डाउट गया था कि गाड़ी एक अलग टाइप की हीट पकड़ रही है, तो शायद इसमें जो ऑयल फ्लो है वो कम हो रहा है या हो नहीं रहा है। तो मैंने सब ये चेक किया था बेंजो पाइप वगैरह खोल के, तो इसमें ऑयल का जो फ्लो था वो कम हो रहा था। तो मैंने जब चेक किया तो वास्तव में बहुत कम हो रहा था, ऊपर के दोनों साइड ऑयल कम आ रहा था। और एक बार पहले मैंने 500 सीसी की इसमें जो पेटियाँ थी वो डाल रखी थी, रिज़ल्ट अच्छा था। पर अभी इंजन का जब काम करवाया था तो उसने 350 सीसी का डाल दिया था। हालांकि इसमें अभी कोई इशू नहीं है, वो मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूँ कि क्यों कर रहा हूँ मैं। तो मैं टाइमिंग कवर खोलता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। ये थोड़ा सा बेंड पाइप को इधर फंसका के इसको कवर को निकालता हूँ। दोस्तों, मैंने खोल लिया है टाइमिंग कवर और इसमें जो शाफ्ट लगी है वो शाफ्ट अभी कटी हुई नहीं है, एकदम बढ़िया है। वार्म नट है वो भी बढ़िया है, केवल पेटियाँ इसमें चेंज करना है। तो इसको मैं पहले साफ़ करूँगा अच्छे से केरोसिन से, पानी से, फिर उसके बाद मैं एयर से इसको ड्राई करूँगा और ऑयल फिल्टर चेंज करके और फिर इसकी मैं पूरी बाकी की जो फिटिंग है वो करूँगा। तो अभी पहले मैं तो ये दोनों कवर मैंने खोल लिए दोस्तों, और ये देखिए एक ऑयल पेटी जो है ये बाहर आ भी गई है। तो ये इसकी जो है ऑयल पेटियाँ होती है ये, तो इसमें जो इसकी जो पीने होती है, ये 300 सीसी की जो पीने होती है ये थोड़ी सी पतली होती है और 500 सीसी की थोड़ी सी मोटी होती है इससे। तो ये दो पीने हैं जो मैं 500 सीसी की डालूंगा। इसके बाद में जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट भी ख़राब तो नहीं है, लेकिन अब जब मैं ऑयल पंप पूरा इसमें जो अपग्रेड कर रहा हूँ तो शाफ्ट भी मैं इसको थोड़ा सा इमरजेंसी के लिए रख दूंगा। हालांकि अच्छी है ये, वार्म नट भी मैं चेंज करूंगा। तो आपको मैं थोड़ा सा इसका एक डिफरेंस बताऊंगा कि देखो ये अभी जो है ये ऐसी बाहर आ रही है, बहुत इजीली बाहर आ रही है, जबकि ये ऐसी इजीली आना नहीं चाहिए। इसमें ऑयल पंपिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है। अब मैं आपको नई पेटियाँ बताता हूँ। ये है 500 सीसी की नई पेटी, ये देखिए ये कितनी टाइट आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये वास्तव में पंपिंग कर रही है। दोस्तों, ये जो वार्म नट है ये वाला, ये एक्चुअली इसमें उल्टी चूड़ी का होता है। इसमें दो ही नट उल्टी चूड़ी के रहते हैं, एक उधर क्लच साइड में एक नट रहता है मैग्नेट के आगे और एक ये। तो इसको खोलने के लिए जैसे हम इसको ये चाबी लगाएंगे तो ये इस तरफ ये कसाएगा, इसको इस तरफ खोलना पड़ेगा। इसको खोलने के लिए सबसे बढ़िया है ऊपर वाला जो टाइमिंग गियर है, यहाँ पे पेचकस थोड़ा सा हमको अटका देना है। और ये बहुत इजीली खुल जाता है। ये वार्म नट खोल लिया है। वार्म नट में ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अब पूरा जब सेटअप चेंज हो रहा है तो जरूरी हो जाता है कि सारी चीजें अपडेट कर दी जाए। ये जो है ये नए वाला जो वार्म नट है मैं इसमें लगा रहा हूँ, ये ओरिजिनल है इसका।
सेम प्रोसेस इसमें यहाँ पे फॉलो करना है, बस पेचकस जो है वो पीछे से इसको आगे की तरफ लगा देना है। ये वॉर्म नट कंप्लीट है। अब जो है शाफ्ट बदलूंगा मैं पहले, लेकिन इसको कवर को अच्छे से पहले सब साफ करूंगा। दोस्तों ऑयल फिल्टर भी यहीं खोल लेता हूं मैं। दोस्तों बारी आती है अब इसकी फिटिंग की, तो ये मैंने सब अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है, प्रेशर केरोसिन से इसको साफ किया, उसके बाद में ब्लोवर चला के इसको पूरा जो है मैंने इसमें इसको सुखाया है। पहले इसमें ऑयल फिल्टर जो है, ऑयल फिल्टर को हम इसमें फिट करेंगे। तो दोस्तों ये कंप्लीट कर लिया है मैंने, ऑयल फिल्टर इसमें डाल दिया है। अब बारी आती है शाफ्ट डालने की, तो शाफ्ट डालने के पहले आपको मैं दिखा दूं कि इसमें एक लंबा सिरा होता है, एक इसमें छोटा होता है। ये तो लंबा सिरा होता है, इसमें थोड़ा सा अपन इसे पूरे को ऑयल डाल के, और ये जो है ये पीछे की तरफ इसमें हमको डालना रहता है। ये डाल दिया, ये इसकी ये डाल दिया। अब आती है बारी ऑयल पेटी की, तो ऑयल पेटी में ये दो ऑयल पेटी रहती है, इन दो ऑयल पेटी में एक बड़ी रहती है, एक थोड़ी छोटी रहती है। बड़ी वाली आगे लगती है, छोटी वाली पीछे लगती है। तो इसको मैं आपको फिट करके भी बता देता हूँ कि इसको फिट कैसे करना है। तो जैसे कि ये जो मोटी वाली है ये आगे की तरफ आएगी, तो इसको मैंने जो लुब्रिकेशन है और जो ग्रीस है, एक एलिमेंट आता है, वो मैंने इसमें पेस्ट करके अंदर की तरफ, अंदर की सरफेस, इसकी सरफेस और ये सभी मैंने लगा दिया है। अब इसमें हल्के से हमको क्या करना है कि पीछे की तरफ से इधर से इसको शाफ्ट को बाहर की तरफ धकेलना है, उसके बाद में ये इसको यहाँ पे पिना देना है। पिनाने के बाद में इसको बहुत ही आराम से अंदर की तरफ बिठा देना है। ये हमारी आगे की जो पेटी है वो बैठ गई, इसी तरह से पीछे वाली। दोस्तों ये ऑयल पंप पेटियाँ और फिल्टर ये सभी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी आती है, इसको मैंने एक बार टेस्ट भी कर लिया है, कैमरा चालू नहीं किया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें जो ऑयल का जो फ्लो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। अब मैं इसमें ऑयल चेंज कर लेता हूँ और इसकी पैकिंग कर लेता हूँ। ये चेंबर खोल के पूरा ऑयल बाहर निकाल लिया है। तो दोस्तों अब बारी आती है ऑयल की, तो ऑयल इसमें जो है एक है 20-40 और एक है 90 नंबर, तो इसमें मैं मिक्स करके डालूँगा। आधा लीटर जो है वो इसमें 90 नंबर में डालूँगा और बाकी का जो है जितना आएगा 2 लीटर करीब। हालांकि इसमें 500 सीसी का जो पंप लगाया है उसमें हल्का सा लेवल से कम रखना रहता है, अगर उसको बराबर या ज़्यादा करते हैं तो फिर गाड़ी क्या धुआं देगी। तो आधा लीटर तो पहले मैं ये 90 नंबर इसमें डालूंगा। तो दोस्तों ऑयल वगैरह सब पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब बारी आती है इसको चेक करने की। क्रैंक ऑयल और बेंजो पाइप का ऑयल इसमें चेक करना है कि फ्लो कितना हो रहा है, उसके बाद में गाड़ी कंप्लीट है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने अपडेट क्यों किया है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस तो बनी हुई है, लेकिन इसकी जो क्यों आखिर करना चाहिए और किनको करना चाहिए ये शायद कहीं ना कहीं
इन्फॉर्मेशन अभी पूरी कंप्लीट यूट्यूब पर है नहीं, और बाकी जो आधा लीटर क्लज का ऑयल है वो मैं गाड़ी नीचे उतार के फिर उसमें डालूँगा। तो पहले इसको मैं चेक कर लेता हूँ स्टार्ट करके कि ऑयल का फ्लो कितना हो रहा है। कैमरे पे लात लग गई थी अच्छी ज़ोर से, कैमरा गिरते गिरते बजा। ऑयल का फ्लो तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया हो रहा है। पहले मैं इसको फिटिंग कर लेता हूँ, बेंजो पाइप और जो नीचे क्रैंक वाला नट है सब जगह से ऑयल प्रॉपर आ गया। तो फाइनली दोस्तों कोल्ड ड्रिंक का मैं आपको बोल नहीं सकता क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं आज पी रहा हूँ क्योंकि फास्ट भी है और बहुत ज़्यादा मेरी एक्स्ट्रा जो है एक्सरसाइज हो चुकी है आज इसमें ऑयल पम्प को लेकर। एक्चुअली ऑयल पंप मैंने इसलिए अपडेट किया है इसको इसलिए अपग्रेड किया है कि पहले भी मेरे पास में 500 सीसी का ही मैंने डाला हुआ था। कारण ये है कि ओल्ड मॉडल की जो बुलेट है, अब इसका मैकेनिकल कारण भी है, इसका दूसरा कारण भी है। मैकेनिकल कारण ये है कि ये गाड़ी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ट्रैक्टेबल है, मतलब कि कम RPM पर हम इसको टॉप गियर में अच्छे से चला सकते हैं। ये तो आप जो भी ओल्ड बुलेट यूज़ कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये ओल्ड मॉडल की जो बुलेट है वो बहुत ज़्यादा ट्रैक्टेबल होती है। जिसके पीछे जो फ्रंट का जो गियर होता है, अपना स्पॉकेट होता है, वो भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। लेकिन जब हम कम RPM पर गाड़ी को चलाते हैं तो कम RPM पर गाड़ी का जो फ्लो है, ऑयल का जो फ्लो है वो कम रहता है। तो मेरी आदत ऐसी है कि मैं जैसे गांव में रहता हूँ या आसपास जो आना जाना रहता है, इतने कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसी एक्स्ट्रा फास्ट गाड़ी मैं ड्राइव करता नहीं हूँ, राइड करता नहीं हूँ, तो बहुत कम आराम आराम से चलाता हूँ और लो RPM पर ये गाड़ी ज़्यादा चलती है। तो उसमें क्या है कि एक्स्ट्रा हीट ना हो, ऑयल पम्पिंग अच्छी हो और ऑयल उसको प्रॉपर मिलता रहे, इस कारण से मैं 500 सीसी का इसमें डाल के रखता हूँ। YouTube पर वीडियो डले हुए हैं 500 सीसी को लेकर, लेकिन ये शायद बात किसी ने बताई नहीं है। हाँ, ऑयल फ्लो का ज़रूर बता रखा है कुछ यूट्यूबर्स ने कि उसमें ऑयल फ्लो अच्छा होता है, लेकिन कम RPM पर जो गाड़ी चलाना पसंद करते हैं उनको ऑयल फ्लो की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक कम अगर इंजन घूमेगा तो ऑयल पंप भी धीमा ही घूमेगा, धीमा घूमेगा तो ऑयल का जो उसमें जो सर्कुलेशन है वो कम रहेगा। तो इसलिए मैं कम RPM पर चलाने के कारण इसमें, और दूसरी बात ये है कि थोड़ी सी कूलिंग में भी फ़र्क पड़ता है गाड़ी में, जैसे इसको अगर प्रॉपर ऑयल अच्छे से मिलता है तो कूलिंग में भी फ़र्क पड़ता है कि ज़्यादा हीटअप नहीं होती है ये। तो बस ये दो कुछ कारण था कि मुझे ऑयल प्रॉपर अच्छा उसमें सर्कुलेशन चाहिए था, इसलिए मैंने 500 सीसी की उसमें जो पेटियाँ थी वो डाली हुई है। और बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, लेकिन ये डेडिकेटेड वीडियो था केवल उन लोगों के लिए जिनके पास में ओल्ड मॉडल की बुलेट है। पिछले महीने मेरे पास में सतना से भी एक भाई का फ़ोन आया था, और क्योंकि मेरे वो नॉन थे इसलिए उनके पास मेरे नंबर थे, तो उनके अभी आज वीडियो देख रहे होंगे तो आपका जो आपने मेरे से जो बात की थी वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपने 500 सीसी का जो इसमें जो ऑयल पंप है वो डालने की बात कही थी और हमने उस पर डिस्कस भी किया था। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। अब बारिश शुरू हुई है और मेरी ऐसी प्लानिंग है कि आपको कुछ अच्छी राइड्स मैं इस बार कोशिश करूँगा कि आपको मिले हमारे आसपास के जो कुछ अच्छी जो पहाड़ी एरिया है, जो एक हिडन से प्लेसेस हैं, उन पे जाएंगे और आपको मैं कोशिश करता हूँ कि इस बार मानसून में आपको अच्छे वीडियोस मिले। तो कंटेंट तो वैसे कम आते हैं, लेकिन सोचता हूँ कि मतलब आलतू फालतू कंटेंट न डालते हुए कुछ काम की चीज़ें डालें तो ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए थोड़ा सा कंटेंट कम आते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी अच्छी प्लेसेस पे मैं जाऊँगा, राइड करूँगा और मिलता हूँ आप सभी से। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।